वापस हम आ गए उस जूते को लेकर जो जूता इस दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट, मोस्ट लवेबल, मोस्ट कस्टमाइजेबल, ये है नाइकी का एयर फोर्स वन ऑल व्हाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डब्बे की बात करें, बहुत ज्यादा खूबसूरत क्लीन डब्बा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर नाइकी एयर फोर्स वन की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। साइड में भी यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिलती है, मेड इन वियतनाम लिखा हुआ है। नाइकी एयर फोर्स वन को ब्रूस किलगोर के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 1982 में। फटाफट निकाल दो जूते को, वैसे पेपर में भी आपको AF1 ऐसा करके लिखा हुआ मिल जाएगा। Just look at this, guys. Nike ने Air Force One का नाम एक US के प्लेन से लिया था और ये कोई आम प्लेन नहीं था, बल्कि ये वो प्लेन था जिसमें US के प्रेसिडेंट ट्रैवल करते थे। हालांकि डब्बे में मुझे एक अजीब सी बात क्या लगी ना, कि इससे पहले जब हमने Air Force One की अनबॉक्सिंग करी थी, वहां पर हमें भाई ब्लैक बॉक्स रिसीव हुआ था। इस बार Nike की तरफ से ना थोड़ा व्हाइट टाइप का बॉक्स रिसीव हुआ है। ऐसे अगर इस जूते को देखोगे ना, फटाफट अंदर के कागज को निकालते हैं एंड भाई क्या मतलब ना, ऐसा लगता है ना भाई कि कोई ट्रॉफी पकड़ रखी हो। इसका ऑरा इतना ज्यादा ऊंचा है। पूरी अपर बॉडी इसके आपको लेदर की मिल जाएगी, मल्टीपल लेदर पैचेस के थ्रू आपको डिजाइनिंग मिल जाएगी। फ्रंट के जितने भी होल्स है ना, जो वेंटिलेशन में काम आते हैं, उसकी फिनिशिंग इतनी ज्यादा क्लीन है, इतना ज्यादा मैनर में लगते ना भाई कि इसी में आपका ना दिल आ जाएगा। अगर आपको अब तक इसकी हिस्ट्री सुन के सिर्फ दिमाग घूम रहा होगा ना, एक बार इसका सेल डेटा सुन लो। नाइकी एवरी ईयर 10 मिलियन पेयर से भी ज्यादा इस जूते को बेचती है और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये वर्ल्ड का पहला रेट्रो स्नीकर है। और अगर आपको ये चीज बवाल लग रही है, तो अब ये जान लो कि इस जूते के, इस व्हाइट स्नीकर के 2000 से भी ज्यादा अलग अलग वेरिएशंस हैं। मतलब एक सिंगल जूते के 2000 अलग अलग रूप। That's so massive! चारों तरफ आपको व्हाइट कलर की विजुअल स्टिचिंग्स देखने को मिल जाएगी। लेदर की क्वालिटी भाई बोलने वाली नहीं है, बहुत ज्यादा प्रीमियम है। वैसे आपको बता दूं कि एयरफोर्स वन के ना बहुत सारे मॉडल्स आते हैं अलग अलग, कोई इनका प्रीमियम वर्जन आता है, किसी के साथ कोलैबोरेशन में बनता है, लेकिन ये एक सिंपल ऑल व्हाइट बेसिक एयरफोर्स वन है। रैम्स के पास में भी आपको 2 छेद देखने को मिल जाएंगे जो कि वेंटिलेशन का काम करते हैं। साइड साइड की पैडिंग स्नीकर के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी है और अंदर तक आपको भाई पैडिंग कुशनिंग चारों तरफ मिलती है। इंसोल की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। आपने कभी एयरफोर्स वन का अंदर का इंसोल देखा है? वन चांस आपको दिखाएगा। लेकिन एक अजीब बात यह है ना दोस्तों, कि ये जूता स्टार्टिंग से ही हिट स्नीकर नहीं था, या इसे कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिली थी। लॉन्च होने के ठीक 2 साल बाद यानी 1984 में नाइकी ने इसे डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन ले लिया था। बट एक्चुअल फैक्ट ये था कि इंटरनली ना लोगों को ये जूता बहुत पसंद था, और जैसे ये न्यूज आई मार्केट में, लोगों ने क्या किया कि जितने भी स्टॉक्स पड़े हुए थे ना मार्केट में, वो सारे उन्होंने खरीद लिए और उसे अलग अलग तरह से कस्टमाइज करके अलग अलग तरीके से ना पहनने लगे, जिससे वापस से मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ी। और जब नाइकी ने ये देखा, वापस से 2 साल बाद यानी 1986 में इस जूते को नाइकी ने वापस लाने का सोचा। फटाफट इसे निकालता है भाई, बहुत ज्यादा डर लगता है। पता है इनकी फिटिंग्स इतनी ज्यादा अच्छी होती है ना इंसोल्स की, ऐसा डर लगता है कि निकाल तो दूंगा लेकिन वापस से लगेगा कि नहीं लगेगा। ऊपर आपको पूरा टेक्सटाइल फैब्रिक देखने को मिल जाएगा। और एक मस्त बात क्या है कि इसका आर्च सपोर्ट ना बहुत ज्यादा तगड़ा ऐसा करके बनाया गया है। इसे अब हम अंदर डालने की कोशिश करते हैं। ओ चल गया भाई, चल गया। क्या गाना लग रहा, चल गया भाई। व्हाइट कलर के आपको कॉटन के लेसेस देखने को मिल जाएगा और फ्रंट में आपको इसका बैच देखने को मिलेगा, जहाँ पर AF1 लिखा हुआ है। ये पूरा मेटल का बैच होता है। आउटर सोल की बात करें, पूरा हार्ड रबर का बना हुआ है, जहाँ पर एयर की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। और ये जो डिजाइनिंग है ना, आप मोस्ट ऑफ द सस्ते चीप जूतों में देखोगे, खतरनाक कॉपी करते हैं भाई। नीचे में आप ये जो सारी डिजाइनिंग देख रहे हो ना, ये बास्केटबॉल कोर्ट में ना ट्रैक्शन का काम करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, ये जूता भी बास्केटबॉल कोर्ट के लिए बनाया गया था। और इसे बस यूं ही एयरफोर्स वन नहीं बोला जाता, बल्कि एक्चुअली इसके बीच में ना नाइकी का एयर कंपार्टमेंट होता है, जो कि विजिबल नहीं होता। नाइकी एयरफोर्स वन का स्लोगन है एयर इन द बॉक्स, लेकिन ये स्लोगन बस यूं ही नहीं रख दिया गया दोस्तों। नाइकी एयरफोर्स वन नाइकी का वो पहला बास्केटबॉल स्नीकर है जिसके अंदर नाइकी की एयर टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था। अब राइट, अगर इसके टंग को देखोगे ना, तो इसपे भी आपको लेदर का काम तो मिलेगा, लेकिन ये जो इसके बॉडी वाले लेदर है ना, इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट लेदर इसमें यूज हुआ है, थोड़ा सा सॉफ्टर है। बीच में आपको टंग होल्डर देखने को मिल जाएगा, ऊपर में आपको एक फैब्रिक का पैच मिलता है जिसमें नाइकी एयरफोर्स वन की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। पीछे बहुत सारे हार्ड टू रीड टाइप के ना इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। जिन लोगों को शक हो रहा है, बता दूं कि ये जूता ना हमने नाइकी के वेबसाइट से मंगाया, तो डुप्लीकेसी की कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी के थ्रू आपको नाइकी एयर की ब्रांडिंग मिल जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि आज जो हम एयरफोर्स वन देखते हैं ना, स्टार्टिंग में ये एयरफोर्स वन ऐसा नहीं हुआ करता था। स्टार्टिंग के डेज में साइड के पैनल में, टो बॉक्स में और इसके टंग में मेश का काम किया जाता था। मतलब सीधी बात समझ लो कि इसे ज्यादा स्पोर्ट्स के लिए फोकस बनाया गया था, ना कि फैशन के लिए। ओवरऑल अगर जूते को देखोगे ना, एक नजर में जो बेस्ट बोला जा सकता है ना व्हाइट स्नीकर के मामले में, कि वो जूता है। इसकी जो डिजाइनिंग है ना, आप समझ लो कि जैसी भी है, लेकिन समय के साथ आंखों में
ऐसी बस गई है ना कि भाई नजर देखते ही साथ ना भाई प्यार हो जाता है। और एक्चुअल इस लेजेंड स्नीकर पे ना नाइकी का इतना साल पुराना एक्सपीरियंस है, हिस्ट्री ना फील होता है। और नाइकी के एयरफोर्स वन के पॉपुलर होने के पीछे सिर्फ पब्लिक को क्रेडिट देना बिल्कुल गलत होगा। इस जूते के पॉपुलर होने के पीछे रैपर्स, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज का भी ना बहुत बड़ा हाथ है। कितने सारे रैपर्स, कितने सारे सेलिब्रिटीज, कितने सारे लोगों ने इसे पहन पहन कर इतना ऊंचा बनाया है। एंड लिटरली वाओ, बस इतना कह सकता हूँ। साथ ही ये अब तक की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बिकने वाला एथलीट स्नीकर है। साथ ही एग्जैक्ट आउटर सोल की डिजाइनिंग ना आपको ये जॉर्डन 1 में भी देखने को मिलेगी। चाहे स्टार्स की बात करें या राउंड की बात करें या नाइकी की ब्रांडिंग की बात करें, आप मुझे बताइए दोस्तों कि आप एयरफोर्स 1 को कितना ज्यादा प्यार करते हो। अगर प्यार करते हो तो एयरफोर्स 1 के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अपने ही ऐसे नेक्स्ट बहुत ही अमेजिंग एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।